जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। इससे पहले दोस्तों हम समझ चुके हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति। प्रकृति मतलब कि अर्थशास्त्र एक कला है या विज्ञान है। आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अर्थशास्त्र के विभाग कि अर्थशास्त्र के कौन कौन से विभाग होते हैं। तो अर्थशास्त्र को बेसिकली जो हम जानते हैं 5 भागों में बांटा जाता है, या हम ये समझ सकते हैं कि जिन जिन क्षेत्र में हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। तो 5 भाग के अंतर्गत आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, उन सभी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे किसके अंतर्गत क्या आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अर्थशास्त्र को यदि हम बांटे 5 भागों में, तो पहला भाग आता है उपभोग का। अब उपभोग क्या होता है, यदि हम आसान भाषा में समझें तो किसी चीज का जब हम उसका उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उपयोग क्या हो जाता है, उपभोग हो जाता है। अब यहाँ पर उपयोग और उपभोग, कभी कभी इन दोनों में क्या हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपयोगिता उपयोगिता और उपभोग दोनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ पर उपभोग जो होता है वह उपयोगिता को नष्ट करता है। अब जैसे कि एक व्यक्ति यदि एक रोटी खा लेता है तो एक रोटी की जो उसकी उपयोगिता थी वह नष्ट हो गई है। तो उपयोगिता और उपभोग में हमेशा अंतर करके रखना कि क्या अंतर रहता है। तो उपयोगिता जो होती है वह किसी वस्तु की एक प्रकार से हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, और उपभोग जो होता है वह वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए उपभोग जो है, उपभोग क्या करता है कि उपभोग हमारी आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। उत्पन्न मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वह बढ़ती जाती हैं। आपकी एक आवश्यकता की पूर्ति होगी तो दूसरी आवश्यकता आपको उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि अभी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जैसे ही आप जॉब करेंगे, आपके पास पैसा आएगा, तो आप फिर बाइक लेने का प्रयास करेंगे, उसके बाद 4-व्हीलर लेने का प्रयास करेंगे, फिर मकान लेने का प्रयास करेंगे, एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास लोग करने लगते हैं। तो जो उपयोगिताएं होती हैं वह लोगों की बढ़ती जाती हैं, और जब उपयोगिताएं बढ़ती हैं तभी क्या होता है कि उन उपयोगिताओं की पूर्ति के लिए फिर लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं, और मांग करते हैं तो फिर उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ तक यदि हमने समझ लिया, क्या समझ लिया कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन हम पढ़ेंगे बाद में, अभी हम केवल उपभोग में जो समझने वाले हैं वो है एक तो आवश्यकताओं की विशेषताएं, जो आगे हम एक एक चैप्टर में आराम से समझेंगे, इनकी विशेषताओं को समझेंगे, इसके बाद इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ये चीज हम किसमें पढ़ेंगे, उपभोग के अंतर्गत। ठीक है, और यदि आपसे पूछा भी जाए कि उपभोग कौन से भाग में आएगा या कौन से विभाग में आएगा अर्थशास्त्र के, तो उपभोग में जो आवश्यकताएं है वो किसमें आएगी, उपभोग में आएगी। इसके बाद कुछ जो नियम हैं जो कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किए हैं, इन्हें भी हम समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, एक क्लास में एक नियम को हम समझेंगे। पिछली क्लास में जो है, जैसे कि यदि आप चैनल पर आते हैं नए हैं, और यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको वहां पर कई सारे नियम, उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये सारे मिल जाएंगे जो कि 12th क्लास में हमने समझे हुए हैं। अभी उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसके बाद मांग का नियम, फिर व्यय और बचत। यहाँ पर जो है मांग उत्पन्न होगी, यदि हम उपभोग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, मांग करेंगे, मांग करेंगे तो यहाँ पर मांग का नियम इसलिए किस में आएगा, ये उपभोग में आएगा। इसी प्रकार उपभोक्ता का व्यय, उपभोक्ता का जो खर्च है वो भी किस में आ जाएगा, उपभोग में आ जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता की बचत, ये भी किस विभाग में आ जाएगा, पहले विभाग में। यानी कि जब हम उपभोग पढ़ेंगे तो उपभोग के अंतर्गत कई सारे नियम भी पढ़ेंगे, बचत भी पढ़ेंगे, व्यय भी पढ़ेंगे, और उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये सारी चीजें हम उपभोग के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ पर गौर ये करना है, उपभोग क्या करता है, आवश्यकताओं को जन्म देता है। तो जन्म देता है तो फिर क्या होती है, मांग होती है, और जब मांग बाजार में आती है तो उसके बाद होता है उत्पादन। ठीक है, दूसरा विभाग हम उत्पादन पर पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें समझना है उत्पादन के साधन। अब उत्पादन जो होता है वह किन किन साधनों से होता है, तो उत्पादन के मुख्य रूप से 5 संसाधन होते हैं, जिन्हें हम भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस इस नाम से जानते हैं।
डिटेल में सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी यदि आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो। अभी हम जो समझेंगे एक एक करके, आपका जो बेसिक है उस हिसाब से समझेंगे, जो 11th क्लास का बेसिक है उसके द्वारा हम समझेंगे। तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये सब हम उत्पादन में पढ़ेंगे। इसके बाद उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहला क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, फिर विनिर्माण उद्योग, उसके बाद खनन, ठीक है। इसके बाद एक क्षेत्र और यहाँ पर छूट गया है, ये है सेवा क्षेत्र, इसको भी हम अर्थशास्त्र में क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद उत्पादन में हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, इसके बाद श्रम विभाजन, उद्योग, इन सभी को हम जो पढ़ते हैं वह उत्पादन के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब हम दूसरे विभाग में आएंगे तो ये सारी चीजें एक एक करके डिटेल में हम इनको समझेंगे। आगे देखिए विनिमय। अब विनिमय क्या होता है, विनिमय यदि हम एक आसान दृष्टि से देखें तो लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसको विनिमय बोला जाता है। पिछले जमाने में या हम पुराने जमाने की बात करें, जबकि मुद्रा का चलन नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो लोग थे जो विनिमय करते थे वह वस्तुओं से वस्तुओं को बदल लिया करते थे, कि आपके लिए जो उपयोगी वस्तु है और जो अनुपयोगी वस्तु है तो अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी वस्तु को बदल लिया जाता था, तो वह विनिमय होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, हम क्या करते हैं, मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मूल्य निर्धारण की समस्या सबसे ज्यादा होती है, तो मूल्य निर्धारण भी हम विनिमय में पढ़ेंगे। इसके बाद मुद्रा को भी पढ़ेंगे, साख को भी समझेंगे, इसी के अंतर्गत हम बैंकिंग को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम RBI को भी पढ़ेंगे, केंद्रीय बैंक जो होता है केंद्रीय बैंक को भी पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक ये होता है जो कि RBI है हमारे देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको समझेंगे। और जो बाकी बैंकें हैं जो महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में, सभी को हम एक एक करके समझेंगे। इसके बाद व्यापार, ठीक है, ये क्षेत्र भी हमारा किस में आ जाता है, विनिमय में। अब ये कैसे आएगा भाई, जो भी व्यापार करते हैं आप किसी दूसरे बड़े दुकानदार से सामान खरीद के लाएंगे तो आप उसको पैसा देंगे, फिर आप उस माल को लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे तो आपको पैसा आएगा। तो ये जो व्यापार होता है इसमें भी क्या होता है, विनिमय होता है। तो व्यापार भी किस में आ जाएगा आपका, ये विनिमय में आ जाएगा। इसके बाद वितरण। एक अर्थव्यवस्था में वितरण की समस्या बहुत कठिन समस्या होती है एक प्रकार से देखें। कई अर्थशास्त्रियों ने कई सारे सिद्धांत इसके ऊपर बनाए हुए हैं जो भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी देखिए, जैसे लगान है, मजदूरी है, ब्याज है, वेतन है, लाभ है, ये सब क्या है, ये वितरण होता है। वितरण किस प्रकार से, जैसे कि जो भी साधन होते हैं साधनों को उनकी आय का वितरण किया जाता है। आय का, जैसे कि आप मजदूरी करेंगे या फिर जॉब करेंगे तो आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा वो कितना होना चाहिए। अब जैसे भूमि के लिए क्या किया जाता है, लगान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मजदूरी, जो श्रमिक होते हैं उनको मजदूरी दी जाती है। जो पूंजी हम व्यापार में लगाते हैं तो पूंजी के लिए क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार जो आपके कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। और जो साहसी होता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, फैक्ट्रियां लगाता है, उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक प्रकार से वितरण रहता है, इसे भी हम किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद पांचवा जो भाग है ये है राजस्व का। अब राजस्व वाला जो भाग है ये मुख्य रूप से जुड़ा रहता है गवर्नमेंट से, उस देश की सरकार से, जिसकी भी हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और समझते हैं। तो सरकार के जो भी कार्य रहते हैं और जो उसकी आय और व्यय रहता है वो सभी किस में पढ़ेंगे, हम राजस्व में पढ़ते हैं। जैसे कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक मतलब कि सरकार की कितनी आय हो रही है, इसके बाद सरकार कितने खर्चे कर रही है, सरकार ने ऋण कितने लिए हैं, और सरकार का वित्तीय प्रशासन किस प्रकार का है, सरकार की नीतियां किस प्रकार की हैं, सारी चीजें हम किस में समझेंगे, राजस्व में समझेंगे। इसके अंतर्गत हम बजट को भी समझते हैं। तो ये सारी चीजें आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। अभी स्टार्टिंग हमने पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या समझा था, प्रकृति को समझा था, ठीक है, कि अर्थशास्त्र एक कला है या फिर विज्ञान है, ये समझा। इसके बाद जो इसके विभाग हैं, ठीक है, इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि अर्थशास्त्र के विभाग कौन कौन से ज्यादा आपको 3 मार्क्स का, यानी कि 150 जो शब्दों में आपको लिखना पड़ता है,
ये क्वेश्चन आपको बन के आएगा, और यदि बहुत डिटेल में आए तो आपको फिर मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अर्थशास्त्र के विभाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है कि जो 5 विभाग हैं, सबसे पहले तो अर्थशास्त्र को 5 विभाग में बांटा गया है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। इसके बाद क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, एक छोटा सा फॉर्मेट हम बना लेंगे और इसे परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो परीक्षा में ठीक तरीके से हम लिख पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।